बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने के बाद अब कई दिग्गज कलाकार डिजिटल का रुख कर रहे हैं। अजय देवगन, माधुरी दीक्षित से लेकर शाहिद कपूर भी ओटीटी पर अपना जलवा बिखेर चुके हैं। अब जल्द ही इस लिस्ट में बॉलीवुड दीवा आपकी प्यारी बेबो यानी करीना कपूर का नाम भी शामिल होने जा रहा है। लाल सिंह चड्ढा के बाद अब एक्ट्रेस सुजय घोष की द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स के अडॉप्टेशन के साथ अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रही है। करीना कपूर अपने डिजिटल डेब्यू के लिए काफी एक्साइटेड है और जोरों शोरों से अपने प्रोजेक्ट में लगी है। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर खान आखिरी बार नजर आई थी। करीना कपूर खान अपनी एक्टिंग करियर के अलावा अपने एक्टर हस्बैंड सैफ अली खान के साथ अपनी लव लाइफ और शादी को लेकर हमेशा चर्चा में रही है। आपको बता दें कि दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत इनकी पहली फिल्म से हुई थी। दोनों ने टशन में पहली बार साथ में काम किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर ये नजदीकियां प्यार में बदल गई। कपल ने 2012 में शादी की थी और दोनों के दो बच्चे तैमूर और जे है। करीना और सैफ अली खान की उम्र के बीच करीब 13 साल का फासला बताया जाता है। करीना ने हाल ही में सैफ अली खान के साथ अपने रिश्ते और शादी के फैसले को लेकर बात की है। करीना कपूर ने ई टाइम्स के साथ बातचीत में सैफ से अपनी शादी के बारे में बताया कि मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा वह किया है जो मैं करना चाहती थी। जब मैं शादी करना चाहती थी मैंने की, और वो भी तब जब कोई एक्ट्रेस शादी नहीं कर रही थी। आज इतनी एक्ट्रेस शादी कर रही हैं। काम करते हुए शादी करना अचानक से अच्छा हो गया है। इससे पहले तक बच्चों का होना करियर पर फुल स्टॉप माना जाता था। मैंने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जिन पर विश्वास करती हूँ। वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना को जहाँ आखिरी बार लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ देखा गया था, तो वही सैफ अली खान ऋतिक रोशन के साथ विक्रम वेधा में दिखाई दिए थे। अब करीना द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स में दिखाई देंगी। ये करीना का डिजिटल डेब्यू होगा जिसमें उनके साथ विजय वर्मा और जयदीप अहलावत लीड रोल में होंगे।